दोस्तों आप देख रहे हो हमें इंडिया चैनल, ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। हमारी वेबसाइट www.awameindia.tk पर अपनी खबर अपडेट देख सकते हैं। कांवटिया हॉस्पिटल में राहुल गांधी के 50वें जन्म दिवस पर चिकित्सा कर्मियों को बांटे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की तरफ से 2500 पीपी किट, सैनिटाइजर, मास्क। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही पूरा स्टाफ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आया, तो यहां तक कांवटिया हॉस्पिटल के हेड चिकित्सक हर्षवर्धन भी भूल बैठे कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या चीज़ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रहे, साथ ही उनके चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि राज्यसभा के चुनाव हो चुके हैं, 5 बजे गिनती शुरू हो जाएगी और जो लोग अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे थे उन्हें सबक मिल जाएगा। सचिन पायलट से बिजली के बिलों के बारे में पूछा कि माफ़ किए जाएंगे या नहीं, जनता परेशान है, उस पर उनका कोई जवाब नहीं मिला। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 77% लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और 40,000 से ज़्यादा रोज जांचें हो रही है। यहां तक कि पड़ोसी राज्यों को भी जांचों के लिए किट भेजे जा रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी के 50वें जन्म दिवस पर चिकित्सकों को PPE किट व सैनिटाइजर मास्क बांटे गए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रवासी मजदूरों को अपने घर लाने का काम सबसे पहले किया है और अब देश के सामने बड़ी चुनौती चीन की है। उन्होंने कहा है, देश की जनता हमेशा तैयार खड़ी हुई है। उतना ही उससे ज़्यादा मिलेंगे और कोई भी लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस प्रकार से प्रमित करने की कोशिश की जाए कि राजस्थान के अंदर सब स्पष्ट हो चुका है। हमने कुछ उम्मीदवार पूरे बहुमत के साथ जीत कर राजस्थान के आवाज को उठाएंगे, संसद के राज्यों में जीत कर जाएंगे। जो जो ये कोशिश कर रहे थे भ्रमित करने की, अफवाह फैलाने की, रूमर फैलाने की, सबको पता पड़ जाएगा। सबको 5:30 बजे AICC ने जो नुमाइंदे भेजे थे जल्द बहुमत लेकर राज्य में जाने लगे। पायलट साहब, ये बसों के टैक्स माफ़ किए लेकिन बिजली के बिलों से बड़े परेशान हैं, लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। 77% से ज़्यादा रिकवरी है हमारी, जो इंडिया में सबसे बढ़िया रिकवरी है। टेस्टिंग फैसिलिटी 40,000 से ज़्यादा हमने डेवलप की है और राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने पड़ोसी राज्यों को भी, जहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप नहीं की है उन लोगों ने और वहाँ भी कोरोना की महामारी है, हमने ये, हमारी सरकार ने ये कहा है कि 5,000 तक के टेस्ट कोई राज्य राजस्थान में आके करा सकता है। ये राहुल गांधी जी की सोच थी कि जितने ज़्यादा हम टेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी जनता को बचा पाएंगे और उस सोच को हमने यहाँ पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सेना के साथ देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। हम सब केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पूरा देश के साथ खड़ा है, लेकिन चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इस वक्त आज जब राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने पूरे प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान को रखा है, वो इसलिए रखा है कि राजस्थान के रिजल्ट अच्छे हैं, राजस्थान में सेवा अच्छी है, श्रमिक बसें हमने चलाई, मजदूरों को लेकर गए, मजदूरों को लेकर आए और पहला राज्य बना जहाँ मजदूर के ऊपर एक भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। कोरोना संकट के समय में जबरदस्त काम राजस्थान की सरकार ने किया। इस दौरान हरिद्वार के लिए फ्री में बसें चलाई गई। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट सहायता मिली, लोगों को मदद मिली, 5.5 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिला और आज जब कोरोना संकट के समय में सचिन पायलट जी के नेतृत्व में सब जगह कोरोना वॉरियर्स का सम्मान है, तो हम सब एक संकल्प लेते हैं कि संकट की कोई भी घड़ी हो